अच्छा, आपको घर पर अगर डोमिनोज वाला पिज्जा बनाना है तो इसके लिए ओवन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम घर पर कढ़ाई में, कुकर में या फिर पतीले में भी डोमिनोज वाला पिज्जा बना सकते हैं। ये देखिए कितना चीजी और सॉफ्ट सा पिज्जा हमारा बनकर तैयार हुआ है, वो भी पतीले में। अच्छा, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लेना है। उसके बाद उस पानी में हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब चीनी, और अब हम लेंगे ड्राई ईस्ट। ईस्ट लेने से पहले फ्रेंड्स हमें ध्यान देना होगा कि ईस्ट हमारा एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, अगर वो एक्सपायर होगा तो वो अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस चीनी में हमें डाल देना है 1 चम्मच के करीब ईस्ट, और उसे मिलाकर 5 से 6 मिनट के लिए कर छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। कि 5 से 6 मिनट के अंदर ईस्ट कितने अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। अच्छा, ईस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसकी पहचान हमें तभी होगी जब इसमें अच्छे से बबल्स आ जाएंगे। अब हम एक दूसरे बर्तन में ले लेंगे 1 कटोरी मैदा, और उसके बाद ये ईस्ट वाला पानी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। अच्छा, पिज्जा डो की खास बात यह है कि इसमें ग्लूटेन होना जरूरी है, मतलब कि आटे में खिंचावट होना चाहिए। तो हमें इसे थोड़ा गीला रखना है, उसके बाद इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक मसलते हुए हमें इसमें ग्लूटेन एक्टिवेट करना है। अच्छा, तो अब ये आटा तैयार हो गया है, तो अब हम इसे पैक करेंगे, उसके बाद इसे छोड़ देंगे 30 से 45 मिनट तक रेस्ट करने के लिए। तो आप चाहें तो इसे प्लेट या किसी चीज़ से ढककर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे प्लास्टिक से कवर करूँगी। तो मेरे पास प्लास्टिक रैपर नहीं था अभी फ़िलहाल, तो इसीलिए मैं इसमें जुगाड़ लगाई हूँ। तो इस तरह का एक पतला सा प्लास्टिक ले ली हूँ और उसका पैक वाला हिस्सा काट दी हूँ। हमें इस तरह का इलास्टिक वाला रबड़ ले लेना है, और उसके ज्वाइंट वाले हिस्से को हम काट देंगे, और उसके बाद अब हम इसे इस दोनों रबड़ को आपस में जोड़ देंगे। अब इस रबड़ से हम इस प्लास्टिक को पैक कर देंगे। तो बस मैं यहाँ जुगाड़ लगाकर इसे पैक कर ली हूँ। तो अब हम इसे 30 से 45 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, तो जब तक ये पिज्जा डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसकी टॉपिंग्स तैयार करते हैं। तो टॉपिंग्स में मैं यहाँ ली हूँ प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, थोड़े से स्वीट कॉर्न, उसके बाद पनीर, ब्रोकली और हरी मिर्च। सारी सब्जियों को हमें अपने मनपसंद शेप में काट लेना है। तो अच्छा, अब हमारा ये डो रखे हुए लगभग 50 मिनट के करीब हो गया है, तो अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा डो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है, और देखिए कितना अच्छा इसमें खिंचावट आ गया है। तो हम इसको जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा ही खींचते जाएगा। हमें इसी तरह का डो तैयार करना है पिज्जा बनाने के लिए। तो अब अपने हाथों में तेल लगाएंगे और इस डो को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद अब हम इस पतीले में लेंगे नमक। ये नमक मेरा 3-4 बार का बेक किया हुआ है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो आप नमक डाल ले या फिर आप बिना नमक के भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ क्या की हूँ कि एक ग्रीस किया हुआ प्लेट ले ली हूँ और इसमें इस डो को अच्छे से फैला ली हूँ। देखिए इस तरह से हमें इस डो को फैला लेना है, और उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट इस थाली को भी उसमें रख सकते हैं पतीले में, या फिर आपके पास इस तरह का अगर कोई स्टैंड है तो आप इस स्टैंड पर भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि कांटे वाली चम्मच से इसे जगह जगह में छेद कर देंगे, जिससे कि हमारा डो फूले नहीं। देखिए हमने पतीले को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और अब हम इस डो को इसमें रख देंगे और 5 मिनट तक इसे बेक कर लेंगे। और अब हमारे पास ये जो बचा हुआ आटा था उसको हम ओवन में उससे पिज्जा बनाएंगे। बेकिंग ट्रे पर हम इस डो को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद उंगलियों की मदद से फैला लेंगे। उसके बाद अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। और अब देखिए हमारा यहाँ ये पतीले वाला पिज्जा 5 मिनट के करीब हो गया है। तो अब हम इसको सावधानी पूर्वक निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, तो इसको निकालने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे सबसे पहले सॉस। सॉस लगाते हुए दिखाना मैं भूल गई थी, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही देख लीजिए। और ये देखिए हमारा पिज्जा कितना ज़्यादा फ्लफी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इस पे सॉस लगाने के बाद इस पर सारी टॉपिंग्स को अपने फिल कर देंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह से आप चाहें अपनी टॉपिंग्स इस पर सजा सकते हैं। तो यहाँ सारी टॉपिंग्स रखने के बाद मैं यहाँ चुटकी भर के करीब नमक डाली हूँ, और अब हम यहाँ पर चीज़ डालेंगे। तो मैं यहाँ अमूल चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप अपने मनपसंद के हिसाब से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम डालेंगे इस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगेनो। अच्छा, तो अब हमारा पिज्ज़ा तैयार हो गया है बेकिंग के लिए। तो बेकिंग से पहले हमें क्या करना है कि थोड़ा सा दूध लेना है, और इस दूध को हमें पिज़्ज़ा के चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देना है।
तो अब हम इस पिज्जा को इस पतीले में रखेंगे और उसके बाद 15 से 20 मिनट तक हम इसे और बेक करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ओवन वाले पिज्जा को भी निकाल लिया है और उसके बाद इस पर भी अब हम सारी टॉपिंग्स को रखेंगे और उसके बाद इसे भी 10 से 15 मिनट तक और हम बेक होने के लिए रख देंगे ओवन में। अच्छा तो 17-18 मिनट के करीब हो गया है पतीले में पिज्जा को रखे हुए, तो देखिए कितना अच्छे से इस पर चीज अच्छे से स्प्रेड हो गया है। ये बिल्कुल देखकर नहीं लग रहा है कि पतीले में बनाया हुआ पिज्जा है। तो चलिए अब फटाफट से इसे ट्रांसफर करते हैं एक प्लेट में और उसके बाद इसे कट करते हैं। देखिए कितना डिलीशियस, कितना टेस्टी हमारा चीजी पिज्जा बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल सॉफ्ट डोमिनोज की तरह पिज्जा बना हुआ है हमारा। मैं पहले ही आपसे बोली थी ना कि हम बिना ओवन के घर पर डोमिनोज वाला पिज्जा पतीले, कुकर या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। देखिए साथ ही साथ हमारा ये ओवन वाला पिज्जा भी तैयार हो गया है। तो अब हम चलिए इस पिज्जा को एंजॉय करने। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस रेसिपी को अपने घर पर भी जरूर ट्राई करिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।